टाइम फॉर योर लाइफ, शिक्षा आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज 644वीं जयंती समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता उमाकांत राम ने किया। वही गोविंद फुलकाहां के मुखिया अरविंद कुमार के आवास पर किया गया। कार्यक्रम में पंचायत के सभी ग्रामीण मौजूद थे। मुख्य अतिथि विजय भगत मोहम्मद अली, जिला परिषद लालबाबू पासवान, रामबालक राम सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। वही आपको बता दें कि कार्यक्रम के पहले शुरुआत फूल मालाओं के एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में सभी लोगों को उनके बारे में लोगों को बताया गया। भारत के संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती है। इस अवसर पर इस ग्राम में उनका विचार को जानने, मानने और पहचानने के लिए आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारे संस्थाओं के वक्ताओं ने आकर भाग लिए हैं और समाज को उत्प्रेरण किए हैं कि आप लोग अंधविश्वास, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, बहुदेववाद, भुइया भवानी, माटी के देवता, पत्थर के देवता, ये सबको भूल जाइए। क्योंकि सदगुरु रविदास ने इस बात को रखी थी उस समय से, जिस समय बहुत सारे देवी देवताओं को अंधविश्वास में लोग लगे रहते थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे समाज को उत्थान के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान की ओर चलना है और शिक्षा से जोड़ना है। अब हमारे समाज के बच्चे देवालय में न जाके विद्यालय में जाए, तब हमारा विकास हो सकता है। यही समाज की असली सोच है। इसलिए आज रविदास जयंती के अवसर पर हम लोग यह संकल्प लें कि सभी बच्चों को शिक्षा से उपस्थित है। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर राम इकबाल राम, अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का 644वीं जयंती पर गोविंद फुलकाहां में एक जयंती उमाकांत की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें हम पूरे पंचायत के दूर दराज से चलकर आए हुए सभी लोगों को आभार दिल से, और हमारे दरभंगा से चल के विजय भगत जी आए, राम इकबाल, डॉक्टर राम इकबाल राम जी आए, और जितने वक्ता लोग थे सभी लोग का आभार जो रविदास, संत रविदास जयंती पर आकर बहुमूल्य समय दिए। और साथ ही हम पंचायत का सभी बच्चों को दिल से प्यार साधुवाद, और बड़े को प्रणाम, और विशेष मैं मुखिया अरविंद कुमार फुलकाहां मनी पंचायत।